हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरदीप सैनी कैथल में। दोस्तों आज हम देखेंगे फ्लैक्स वॉलपेपर की फुल पेस्टिंग कैसे की जाती है और ये लगने के बाद इसकी कैसी लुक आती है, पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। तो आपने वीडियो देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लगाएँगे इस पर बोंड, पूरी दीवार पर हम बोंड लगाएँगे। केमिकल एक एडहेसिव आता है इसके लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं दीवार पर। इसको पहले हम पूरी दीवार पर इसको ब्रश की हेल्प से लगाएँगे और उसके बाद इस पर हम जो हमारा प्रिंट आया हुआ है फ्लैक्स वॉलपेपर का उसको एडजस्ट करके एक लेवल में लेके उसको पहले ऊपर के जो कोने होते हैं फर्स्ट टॉप लेयर होती है उसको हम अच्छे से खींच के चिपकाएंगे ताकि उसमें कोई सिलवेट ना रहे। उसके बाद दोस्तों देखिए हमने पहले ऊपर से पेस्टिंग कर दी, लगाते ही अपने आप चिपक जाता है, आपको पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप इसको खींच के लगाएँ। देखिए पहले ऊपर से खींचेंगे फिर उसको उतार के जो साइड के वो खींचेंगे और इसको बीच का खींचेंगे, बीच में से नीचे लेके आएंगे बिल्कुल नीचे। फिर इसको हम जितना खींच सकते हैं उतना खींचें और देखें कि कोई सिलवट बीच में ना रहे। तो ये देखिए लगा, बहुत ही आसान है इसको लगाना, आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको लगाने के बाद हम पेपर कटर और फट्टी की हेल्प से उसके जो साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर होता है उसको हम कट कर देंगे ताकि जो हमारा पूरा वॉलपेपर वही रह जाए। ये देखिए हमारा पूरा वॉलपेपर लगने के बाद कि कैसे लगेगा। देखो दोस्तों इसकी एक बात होती है कि जो हमारा प्रिंट होता है फ्लैक्स वॉलपेपर का उसकी जो चौड़ाई होती है 10 फीट तक की होती है। मतलब अगर आपकी ऊंचाई छत की 10 फीट है तो आपका एक ही पीस में आपका लग जाएगा वॉलपेपर। अगर अदरवाइज अगर जैसे आपकी ऊंचाई 10 फीट से ज़्यादा है, 11 फीट है, 12 फीट है, तो उसमें एक ज्वाइंट आएगा नीचे या ऊपर, आप जैसे मर्जी आपकी इच्छा है, लेकिन हम नीचे ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा नीचे। जो हमारी इस दीवार की ऊंचाई है वो 11.5 फीट है तो इसलिए इसमें भी एक ज्वाइंट आएगा तो हम वो ज्वाइंट भी इसमें लगाएंगे। अब भी देखिए ऊपर की कटिंग हो रही है, अभी बिल्कुल आसान है इसकी कटिंग करना, आप पेपर कटर की हेल्प से आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पीवीसी वॉल पैनलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग, ग्रिड सीलिंग, यूबी मार्बल सीट वॉलपेपर, फ्लैक्स वॉलपेपर, आर्टिफिशियल ग्रास, वुडन फ्लोरिंग का काम करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए हम ज्वाइंट पीस की इसकी जो डिज़ाइन के साथ मैचिंग करा के उसको लगा रहे हैं, बहुत आसान होता है जो आप इसको लगाओगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक सिर्फ एक कंडीशन सबसे मेन है कि आपकी अगर आप फुल पेस्टिंग करवाते हो तो आपकी जो दीवार है बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए लगाते वक्त, बिल्कुल प्लेन, उसमें कोई भी खड्डा नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रैक नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऊपर खबरें नहीं होनी चाहिए। इसकी जो फाइनल अच्छी लुक तभी आती है फुल पेस्टिंग की। अगर आपकी दीवार में ख़राब दीवार है, उस पर पेंट उतरा हुआ है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो उसकी कॉर्नर पेस्टिंग है सिर्फ वो करवाएँ, बीच में फुल पेस्टिंग न करवाएँ। तो क्योंकि अगर आप उसकी फुल पेस्टिंग कराओगे तो सारी दीवार की लुक ख़राब हो जाएगी, जो आपके खड्डे हैं, जो आपके दीवार में तरेड़ है वो बिल्कुल उभर के आएगी, वो बिल्कुल अलग सी उसकी लुक आएगी जो बहुत ही अजीब लगती है, तो आपके पैसे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी फुल पेस्टिंग करवाएं तो इसके पहले ध्यान रखें कि उसकी जो दीवार है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, वॉल पुट्टी होने के बाद उस पर अच्छे से रेग मार लग के बिल्कुल प्लेन होना चाहिए तभी उस पर फुल पेस्टिंग करवाएं, अदरवाइज़ फुल पेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसे बर्बाद वाली बात हो जाती है। जो ऊपर की कटिंग हो रही है हमारी, ऊपर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें कोई सिलवट अभी नहीं है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से इसको लगाया है। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं फ्लैक्स वॉलपेपर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप साइज़ की आप कॉस्ट जानना चाहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो आप हमें लंबाई चौड़ाई बताइए। ये देखिए लगने के बाद कैसी लुक आई हुई है कंप्लीट, हमने नीचे वाले ज्वाइंट भी लग चुके हैं इसमें और देखिए बहुत अच्छी आलीशान लुक आई हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।